है तो अपने आप को एक बार थपथपाइएगा कि हाँ आप उस इलीट क्लास में हैं जिसके सामने मुसीबत आई है, और एक समय आएगा कि जब आप इस मुसीबत को पार कर जाएंगे, और एक समय आएगा कि जब यहाँ आके आप अभी अपने संघर्ष की कहानी बताएंगे कि हम भी ऐसा थे। और हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि भगवान से भी हाथ जोड़ के यही दुआ मांगते हैं कि जितने लोग हैं देश के सबको एक दिन अपनी कहानी सुनानी पड़े, क्योंकि यह देश वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ पर हर बच्चा यहाँ का फौलाद है अपने आप में। यहाँ पर तो ये वक्त है अब ऋण चुकाने का। अब इस सदी में हमें अपना नहीं, अब इस देश का भी एक ऋण चुकाना होगा कि शायद पिछले जन्म में बहुत सौभाग्य बहुत अच्छा काम किए होंगे तो हिंदुस्तान में जन्म लिए, वरना अगर जन्म के समय थोड़ा बहुत बॉर्डर क्रॉस करते ना उधरिया हो जाते ना। गलतियां हुई है और लड़कियों को हमने जो साथ छोड़ दिया महिलाओं का नाम, बस यकीन मानिए जिस दिन भारत देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला ली 10 साल में देश की सूरत बदल जाएगी, दुनिया देखते रह जाएगी। और जो महिलाएं यही मौका है आपको साबित करके दिखाने का, आप किसी कोई कहे कि आप कम है तो थोड़ा सुन लीजिए, कहिए दिखाएंगे तुमको, करके दिखाएंगे, जुबान से नहीं वो करके दिखाएंगे कि तुम्हें भी याद होगा। और इतना महिलाओं को आगे बढ़ना है, खुद को अपने आप को इतना निखारना है कि किसी घर में अगर लड़की पैदा हो तो खुशी मनाई जाए। आज गांव के सेक्टर में क्या है कि थोड़ा सा लोग महिलाओं को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हर जगह पे कदम से कदम मिला के महिलाएं आगे बढ़ें, ये गलती हम लोग से हुई है और वी एक्सेप्ट दिस, क्यों ना अगर हम लोग से हो सकता था, आज़ादी के इतना दिन हो गया, हम लोग देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा चुके रहते, क्योंकि किस चीज़ की कमी है हम लोग, थोड़ा सा हम लोग ने क्या किया, गलती कर दिया। तो भाई देश की महिलाएं हम लोग की उस गलती को थोड़ा माफ करें और आज आप लोग भी अब देश पे कदम से कदम मिलाएं ताकि साथ दें, वरना अकेले पॉसिबल नहीं है देश का, वरना एक से समय मिला है। हम इस चीज को ज्यादा हमारी खुद की बहन नहीं, अपनी बहन नहीं, लेकिन अभी भी हम अपना घर देखते हैं ना तो लगता है कि बहुत बड़ी कमी है। और अगर बहन रहती तो चीजों को अच्छे से समेट के रख सकते, इसलिए आप देखेंगे आपको इंडिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है। नहीं था तो हमारे यहाँ माझी जी थे ना, कहें कि भगवान के भरोसे मत बैठो, भगवान भरोसे बैठा लो। तो बहन नहीं थी तो क्या दिक्कत है, दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी गई। अब मतलब आप सोचते हैं कि अगली बार अभी इस बार 7,500 राखी बांधी गई, 7,500। और हर साल रक्षाबंधन के बाद पहले ही रक्षाबंधन से पहले हमको एक डॉक्टर अपॉइंट करके रखना पड़ता है कि सर मेरा ब्लड रुक जाएगा इतना राखी बांधी जाती है, तो आप एकदम ना स्टैंड बाई पे रेडी रहिएगा। इतना राखी बांधने के बाद एक आदमी आता है मेरा हाथ उठाने वाला, वो हाथ लेके चलता है, हम ऐसे चलते रहते हैं। खुशनसीब है वो लोग जिनके घर में बहने हैं जिनकी बेटियां हैं, आप उसकी कदर नहीं कर सकते हैं तो यकीन मानिए इसका बदला भगवान जरूर लेता है। आजकल लोग देखते हैं कि लोग बहू की कदर नहीं करते, अरे वो आपकी बेटी है, चेहरा बदल के वापस भगवान ने भेजा है, आपको नहीं कर सकते कदर ना, तो आपने भगवान की उस नेमत को ठुकरा दिया है। अब फिर घर में मुसीबत आएगा तो कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया, चाहे चांद में पहुंच जाइए, चाहे जितना भी आगे चलिए, अपनी सभ्यता संस्कृति को मत भूलिएगा वरना मिट जाइएगा आप यहाँ से। यूनान मिस्र रूमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, भारत को मिटाने की कोशिश की मिटा कभी नहीं। इसलिए याद रखिएगा अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है, और हमसे गौरवपूर्ण संस्कृति पूरे भारत पूरे विश्व में किसकी है, तो ये चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है और आपस में मिलजुल के एक देश वाली भावना लेके चल रहे हैं कि हम सबको मिलकर अब देश को अपना उस पुराना जो गौरव मिला था वापस लौटाना है। और आप लोग आगे बढ़ेंगे, युवाओं में है, आप जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आ,
आप युवा लोग हैं, आपको किसी कौन रोक सकता है यहाँ पे। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है, इस भारत की धरती पर जन्म लिया, व्यर्थ हो जाएगा यहाँ। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी, जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया, तेरे लिए स्पेशल है यहाँ। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए। आप सब लोग को हमारा, आप सब लोग को ढेर सारा शुभकामनाएं, दुआएं आपके। ठोकरें आएंगी, लगेगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती ना जो चलता है, जो सुतल है बेड पे, उसका कोंची का ठोकर लगने वाला है। और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। तेरे लिए कोंची का संडे है। काम बस ईमानदारी से कीजिए। हम लॉकडाउन का एक छोटा सा एग्जांपल, हमारे एक लेबर था, काम करते हैं लेबर लोग, उनकी बहुत दुर्दशा हो गई लॉकडाउन में, रियल में। एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, दे डोंट हैव बैकअप मनी। वो डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले हैं। उनका अगर 10 दिन का दिहाड़ी बंद हो गया ना, तो उनके लिए बहुत दिक्कत आ जाती है। और लॉकडाउन में बेचारों के साथ क्या हो गया, अब इतनी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट भी कितना को देख सकती है, एक लिमिटेशन है वहाँ पर। तो उसके साथ बहुत दिक्कत आ गया, हमसे लॉकडाउन में खाली बैठे तो हमसे बोले कि देखिए, एक तो काम नहीं मिलता है, मिलता है तो हम लोग को महीना में 20 दिन मिलेगा, 22 दिन मिलेगा, हम लोग के पास बैकअप नहीं होता है। उसको हमने एक छोटा सा बात बोला, भाई देखो, एक काम बस मेरा एक महीना करके देखना, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दे। काम पे जाते कितने हो तो बताए कि 8 बजे जाते हैं। अलग अलग शहर में वो काम करने वाले मजदूर जो आते हैं, मिस्त्री, उनका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है, हमारे यहाँ 8 बजे आते हैं, और फिर दोपहर में लंच करते हैं, शाम में 4-5 बजे चले जाते हैं। तो वे 8 बजे के काम में आप कितने बजे जाते हो? कहा कि सर वही पहुँचते पहुँचते 8:15 हो जाता है, खैनी उनी बनाते बनाते चाय पी के 8:30 हो। एक बात बताओ, ये आधा घंटा तुम किस में काटे? कहा कि जहाँ काम करने गए ना उनके में से। नहीं, यही इस गड़बड़ है, आप अपनी जिम्मेदारी में से आधा घंटा काट लिए थे। आप वहाँ 15 मिनट पहले पहुँच सकते तो क्या बोलते हैं मास्टर, पगला गए हैं लोग, भाई देख लेते हो, एक महीना काम करके देखो, बस तुम आप 15 मिनट पहले पहुँच के देखो। वो इंसान 15 मिनट पहले पहुँच जाता, 5 मिनट पहले ही काम चालू करता, बाकियों के आने से पहले। लंच पे जाते थे तो जब सब चले जाते थे, 1-8 मिनट लेट से लंच जाते थे, कुछ नहीं होने वाला है, 1-8 मिनट लंच खत्म होने से पहले ही चले जाते थे, बाकी लंच खत्म हो गया 10 मिनट बाद आ रहा, तो लंच खत्म होने से 1-8 मिनट पहले। जब सारे लोग 5 बजे चले जाते थे तो 5:05 पे जाते थे। तो हमसे कहें कि खान सर, ये आप बता रहे हैं, नहीं बहुत पटांग बात बता रहे हैं आप, भैया एक महीना काम कर लो, हाथ जोड़ लेते। आज के टाइम पे जब एक महीना काम किया, 10 दिन के अंदर लोगों को हो गया यार कितना ईमानदारी से काम करता है। आज उसको फोन से लोग बोलते हैं कि भाई मिस्त्री खाली हो, फोन से बोलते हैं। और लोग क्या करते हैं पता है, इसको काम दे देंगे ना, टेंशन नहीं है, काम वही है। आप दुनिया में कुछ भी कीजिए, बस अब क्या कीजिए, ईमानदारी से। और आपके यहाँ जो काम करने आ रहा है ना, प्लीज उसका भी आप लोग, मतलब जो भी आप लोग एंटरप्रेन्योर है, तो आपके अंदर में भी लोग काम करेंगे, उसका भी ध्यान रखिएगा एक परिवार की तरह। ये नहीं कि उसका भी रोक रख के सैलरी रख ले 2-3 महीने का, और उसके बाद कहेंगे कि चौपट का हो रहा है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। देखिए, जैसे बड़ी कंपनी, याद रखिएगा, बड़ी कंपनी कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट कस्टमर को सामान नहीं बेचती है। अगर किसी बिस्किट कंपनी को, तो सोचिएगा, बिस्किट डायरेक्ट नहीं देगी, बीच में क्या रखती है, डिस्ट्रीब्यूटर रखती है। उसी तरह ऊपर वाला भी ना सबको हाथ में डायरेक्ट पैसा नहीं देता है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखता है। हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर, वही डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके माध्यम से गरीबों का चूल्हा जलता है, आप मत मारिएगा। अगर गरीबों का हक मारेंगे और ऊपर
ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है तो साइन कर देगा। अबीर कहेंगे कि अब हमारा बिजनेस चौपट हो गया। अरे बाबू तुम खुद चौपट किया अपने ईमानदारी से उसूल बना के रखे। अरे सूखी रोटी खाना पड़े, एक ही रोटी खाना, ईमानदारी से बेईमानी से नहीं होना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि जब भी कोई इंसान आगे बढ़ा है तो ईमानदारी से ही आगे बढ़ा है। लूट कर आप एक दिन खुश रख सकते हैं, दो दिन खुश रख सकते हैं, चोरी करके कुछ दिन खुश रह सकते हैं, लेकिन जब भी अगर आप अस्थाई और आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, ईमानदारी करके। कितना दिन झूठ चलेगा जी आपका, कई दिन। आज के लोग पढ़े लिखे हैं, वो पहले जमाना अलग था कि मदारी दिखा के ढोल बजा कैसे कर देंगे तो लोग चलाएंगे। अब नहीं, अब तो डिजिटल इंडिया है। आपसे जानने से पहले वो पता करके आया आप कौन जी हैं। बहुत टफ हो चुका है आज के लिए, समझ आगे कि नहीं आगे। अभी हम लोग का जो एजुकेशन सेक्टर है ना, पहले क्या था कि बंद कमरे में क्लास होती थी, डिजिटल वगैरह नहीं होता था। आदमी पहले जो कोरोना के पहले का बता रहे हैं, उतना घर से नहीं भी मेहनत करते थे ना, वो भी चल जाते थे। अरे चलो ना बता देंगे, अभी सब बोल के देखिए रिकॉर्ड है। आप 2 मिनट में तो जितने ज्यादा बुलंदी पे जाइएगा, इंसान और पतंग जितनी ऊंचाई पे जाता है काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो थोड़ा सावधानी से ना, इंडिया में सब चीज सीखने को मिलता है। धीरे धीरे विदा करें ऊपर वाला, जल्दी से जल्दी आप लोग को कामयाब करें और इतने बुलंदी में जाइए कि आप लोग की केस स्टडी हम लोग को कभी पढ़ना पड़े। इतनी आगे जाइए आप लोग को कि एक समय हम लोग भी आपको दे सकें। हमसे क्वेश्चन